पटना भी 81 एक्टिव केस, 24 घंटे में 6 नए पॉजिटिव मामले आए, 6 ने दी मात, पटना में 54 एक्टिव केस। मंदार पर्वत पर भी बना बढ़िया पिकनिक स्पॉट, यूपी तक से आ रहे लोग, रात में रुकने की सुविधा हो तो बढ़ेगा टूरिज्म। शहरों की सफाई में आपके आइडिया को मिलेगा सम्मान, 30 तक करें आवेदन। स्वदेशी तकनीक टिकाऊ और कमर्शियल मॉडल वाले आइडिया को प्राथमिकता। 22 दिसंबर को जॉब कैंप, श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप, मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपए तक। रोहतास में कबाड़ी दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। बक्सर में बेटे की चाह में 8 माह की बेटी की हत्या, बेटी के जन्म से नाराज थे ससुराल वाले, पिता ने बोरी में बच्ची को डाल नदी में फेंका। चुनरी दुकान में लूट, विरोध करने पर गोलीबारी, दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था व्यवसायी, तभी अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। खगड़िया में 8 बोतल शराब के साथ आईटीबीपी जवान गिरफ्तार, रिटायर्ड फौजी पिता के लिए यूपी से ला रहा था शराब, पुलिस ने किया अरेस्ट। बिहार सॉकर लीग, बाबू एफसी ने पटना स्पोर्टिंग को 4-1 से किया पराजित, बेस्ट ऑफ 22 का पुरस्कार स्पोर्टिंग क्लब के अमन को मिला। मुजफ्फरपुर में 23 दिसंबर को युवा महोत्सव, चयनित प्रतिभागियों को सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भेजा जाएगा, 20 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू। मांझी ने ब्राह्मणों को दी गाली, बीजेपी ने कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे मांझी, सीएम नीतीश करे हस्तक्षेप, जदयू ने भी इसे दुखद कहा। कल से पाटलिपुत्र वीवी में स्पॉट एडमिशन, 3 दिनों तक चलेगा नामांकन, छात्रों को अपने ऑफर लेटर के साथ लाना होगा आवेदन फॉर्म। जमुई में नक्सलियों का साथी डॉक्टर अरेस्ट, जिले में खोल रखे थे 3 क्लिनिक, सभी में नक्सलियों का ही इलाज करने का आरोप। नेत्र चिकित्सकों के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगा कॉर्निया ट्रांसप्लांट। पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता पुत्र समेत 3 घायल, आरा में पुलिस के विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर की गोलीबारी, 2 हिरासत में।